राजस्थान के टोंक जिले के दूनी कस्बे में एक ऐसी दुर्गा माँ के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां दुणजा माता अपने भक्तों से शराब पीती हुई दिखेगी। दूनी कस्बे में दुणजा माता का मंदिर तालाब के किनारे बना हुआ है, जहां सालों से नवरात्रि में 9 दिन तक भारी संख्या में भक्तों की रेलम पेल रहती है। यहाँ भक्तों की मान्यता है कि जिन भक्तों की मुराद पूरी होती है वो माता को मदिरा पान करवाते हैं। बकायदा शराब की बोतल को माता का पुजारी दुणजा माता की प्रतिमा के मुंह के लगाता है और माँ शराब से भरी पूरी बोतल का सेवन करती है और बाकी भक्तों के लिए छोड़ देती है। दुणजा माता की टोंक जिले सहित प्रदेश के कई जिलों के लोगों में मान्यता है। जिस किसी भक्त ने श्रद्धा और विश्वास से माता के दरबार में अपने काम की अर्जी लगाई उसे माता पाती देती है। जिस पाती मिल गई समझो उसका काम बन गया। पाती एक फूल की पंखुड़ी होती है जो माता के सामने बैठकर मांगी जाती है। वहीं अपने काम की पाती मांगने वाला भक्त माता के सामने पुजारी के माध्यम से एक कागज रख देता है या वैसे ही पाती मांगने की अरदास कर लेता है। यदि उस भक्त का काम होने वाला होता है तो माता की पोशाक में जड़े फूलों में से एक पंखुड़ी गिरकर उस कागज में वहां आंगन में गिर जाती है। मान्यता है कि माता जी ने पाती दे दी तो समझो काम पक्का हो गया। फिर भक्त वहां मन से बोलता है कि माँ मुझे सफलता मिलते ही मैं तुझे अपनी ओर से पोशाक धारण करवाऊंगा या मदिरा पान करवाऊंगा या समवमणि का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भक्त बोलता है वह माता को प्रसन्न करने के लिए वैसा ही करता है। माता के दरबार में आस्था रखने वाले ग्रामीण लोग ही नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अफसर और राजनेता भी शामिल है। यहाँ प्रमोशन, संतान प्राप्ति से लेकर नेता भी चुनावों में टिकट पाने के लिए मन्नत मांगते हैं। पुजारी सूरज माली ने बताया कि माता द्वारा भक्तों का मदिरा पान करवाने का रहस्य को जानने के लिए सालों पहले तत्कालीन राजा ने मंदिरों के नीचे चारों ओर गहरी खाई खुदवाई थी, लेकिन कहीं भी माता द्वारा किया गया मदिरा पान का सुराग नहीं लगा। आखिरकार थक हार कर राजा भी माता की इस अलौकिक शक्ति और चमत्कार का कायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।